हेलो एवरीवन, पायल स्पेशल पे आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और दिवाली भी बस आने ही वाले हैं। ऐसे में कुछ मीठा तो बनता है ना, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरन पोली की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी इस फेस्टिवल सीजन इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पूरन पोली बनाने के लिए एक बाउल में हमने ले लिए एक कप तूर दाल। आप इसके जगह चना दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही दाल में पूरन पोली बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। दाल को हम अच्छे से धोकर ले लेंगे। अब हम एक कप दाल में एक कप पानी डाल देंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए भीगने देंगे। दोस्तों, 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी दाल भी अच्छे से भीग चुकी है। इसे चेक करने के लिए आप इस तरीके से दाल को नाखून से प्रेस करेंगे तो दाल आसानी से टूट जाएगी। अब हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर लेंगे और इसे कुकर में बॉईल होने के लिए रख देंगे। हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सीटी ले लेंगे। अगर आपने दाल को कम समय के लिए भिगोया था तो 3 से 4 सीटी ले ले। कुकर में 3 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इसमें से प्रेशर भी निकल चुका है। अब हम इसमें से हमारी दाल निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। अगर आपकी दाल में पानी रह चुका है तो आप उसे पहले निकाल दें। अब हम एक पैन में 2 चम्मच घी ले लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हमारी दाल। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसे कंटिन्यूअस चलाएंगे जिससे दाल में से सारा एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाए। बीच बीच में हम इसे थोड़ा सा स्मैश भी कर लेंगे जिससे हमारी दाल भी अच्छे से कुक हो जाए। हमें इसे ग्राइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही मिनट में सारा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप चीनी। साथ ही में ऐड करेंगे 1/3 कप गुड़। आप चाहे तो सिर्फ चीनी या सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पूरन पोली के टेस्ट को थोड़ा और एनहांस करने के लिए हम यहाँ डाल रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। और अब सभी चीजों को कंटिन्यूस चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। और 2 ही मिनट में आप देख सकते हैं हमारा पूरन एकदम ही गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारा पूरन अच्छे से ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी है। साथ ही पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं के आटे का डो तैयार कर लिया है। ये बिल्कुल हम चपाती लगाते हैं उसी तरीके से आटे को हमने प्रिपेयर किया है। आटे में से एक छोटी सी बॉल बना के उसके ऊपर हमने थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दिया है। अब हम इसकी पूरी बनाकर तैयार करेंगे। एक छोटी चपाती जितना बेलने के बाद हम सेंटर में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। साथ ही इसमें 1 बड़े चम्मच जितना पूरन रख देंगे और उसे इस तरीके से रोल करते जाएंगे। ऊपर का एक्सेस आटा निकालने के बाद इसे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा और सूखा आटा छिड़क के इसे बेल लेंगे। पूरन पूरी को हमने अच्छे से बेल लिया है। दोस्तों, आप थिकनेस अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसे सेक लेंगे। एक गरम तवे पे हमने हमारी रोटी को डाल दिया था और ये एक तरफ से सिक चुकी है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और इसे फिर से फ्लिप कर देंगे। दो
दोस्तों, हमारे डिलीशियस पूरन पोली बनकर के तैयार है। आप भी इसे किसी भी त्योहार या पूजा में बनाइए और एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सी यू, बाय बाय।